वाले सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। एक चाइल्ड है इज सिटिंग ऑन ए स्विंग, स्विंग मतलब झूला। एक बच्चा है वो झूला झूल रहा है, झूला कुछ ऐसे है उसका, ठीक है। ये उसका झूला ऐसे बना देता हूँ और ये ग्राउंड से कुछ एच हाइट पर है, ये इस तरह से आर्क में बच्चा झूला झूलता है और ये कभी उसका झूला इस तरह से भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है इस टाइप से, ऐसे झूला होता है, ठीक है जी। तो ये कहता है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस स्विंग इज 0.75 मिनिमम है, मतलब यहाँ मिनिमम है 0.75 मीटर, ये जो हाइट है वो मिनिमम है, और ये जो 2 मीटर का हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, है ना, इससे ऊपर उसका झूला नहीं जा सकता। तो कहता है कि मैक्सिमम स्पीड निकालिए। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा, मैक्सिमम स्पीड इस बच्चे का कहाँ होगा यार। ऑब्वियसली जो मैक्सिमम स्पीड है वो लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन करा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करा दो, तो लोएस्ट पॉइंट पे मान लो यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम है, इधर की डायरेक्शन में स्पीड मैक्सिमम है, तो स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच वन, और उस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू। तो यहाँ से वेलोसिटी जो मैक्सिमम हम लोगों को दिखेगी वो दिखेगी 2g और वो है h2 - h1 अंडर रूट, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 और g की वैल्यू 10 और h2 कितना भाई, h2 है 2 और ये 0.75 अंडर रूट। इसको सॉल्व करो तो 0.715 घटाओगे तो 1.25 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 150, 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी, जो कि लोएस्ट पॉइंट पे होगी, है कोई, हाँ है, बी ऑप्शन हम लोग का सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। चलो